कुछ दिन पहले NCL अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट थी, मैंने एक वीडियो कवर किया था और मैंने उस जैसे कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था, मैंने दो वीडियो प्रोवाइड करूंगा इस एग्जाम से रिलेटेड। एक तो आफ्टर सिलेक्शन के बाद बेसिकली कौन सा काम करवाया जाता है, एक तो ये कमेंट लूंगा जिसमें आप लोगों का कुछ कमेंट होगा। सो बेसिकली कुछ बच्चे का कॉमेंट है। सो बेसिकली आज गैस इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा आप लोगों का कॉमेंट। सो अगर आप में से भी कोई और भी कमेंट है तो आप लोग भी बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया गया। सब्सक्राइब इसलिए करें, मैं कई सारा जॉब अपडेट विद आप लोग के एग्जाम सेंटर में जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर एंड अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट एक फ्रेंड को तो कर ही दीजिएगा। सो देखते हैं आगे की ओर। और गैस मैंने इस टाइप का एक वीडियो कवर किया था जिसमें मैंने बताया था NCL अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट, जिसमें 10-12 मैंने बहुत कुछ कवर किया था। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे, आप लोग को मिल जाएगा एंड टेलीग्राम पे आप लोग भी ज्वाइन हो जाइएगा। सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है निभ्या तिवारी का, 1 घंटा पहले मैंने ये शायद 1 या 2 दिन पहले स्क्रीन शॉट लिया था, शायद कल मैं लिया हूँ। तो उनका क्वेश्चन है सर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो देखो गाइस मैं निभ्या को बताऊँगा, यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस 0 है। अगर आपको दिख पा रहा है तो कोई नहीं, इस फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ीस 0 है। तो जाहिर सी बात है जब एप्लीकेशन फ़ीस 0 होते हैं तो जितने बच्चे एप्लीकेबल होते हैं उस फॉर्म को फिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने घर से कुछ लगता तो है नहीं, तो यहाँ फॉर्म फिल करते हैं। जिसके कारण से ये नेटवर्क इशू होने के कारण से फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा होगा। तो आप रात में इस फॉर्म को फिल करें, आप 12 बजे रात या 10 बजे के बाद फॉर्म फिल करें, क्योंकि फॉर्म फिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो साइबर कैब वाले होते हैं वो भी होते हैं, बच्चे तो होते ही हैं ऑलरेडी जो खुद से अप्लाई करते होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप रात में फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं प्रॉब्लम आएगी, फॉर्म उसके बाद सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, जैसे मैं इस तरह में वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दूँ आगे भी दूंगा। सो देखते हैं आगे। सर हमारे 10th में 81% है गुड एंड 12th में 72% है, मेरी सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर प्लीज़ बताइए, धीरज का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ धीरज, क्योंकि NCL में रिक्वायरमेंट आई है और यहाँ ऑल इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये मैं बता दूँ आपको कि 81% आई है, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे 72% आ गए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मैं बता दूँ गाइस क्योंकि बच्चे हैं, मैंने कई सारे वीडियो कवर किया है, इसमें क्या होता है कि 90+ वाले बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दुख नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंतज़ार कीजिए सिलेक्शन होगा कि वो तो मेरिट लिस्ट के बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, 90%+ वाले बच्चे को वो हायर कर सकते, क्योंकि ये जब जब सिलेक्शन के बारे ही आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम जो आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसा ऐसा क्षेत्र होते हैं, मैं नाम लेने नहीं चाहूँगा, कुछ राज्य का कुछ ऐसा क्षेत्र होते हैं जहाँ के बच्चे के परसेंटेज बहुत ही हाई होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप भी अगर किसी को हायर करोगे तो अच्छे बंदे को ही हायर करोगे, तो यहाँ जब मेरिट बेस पे हायर हो रहा है तो उन्हें लगता होगा परसेंटेज जाना, भले नॉलेज हो ना हो मगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं उनको, तो जिसके कारण से वो सब बच्चा को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, बट आगे इंतजार कीजिए, जो आएगा जो भी मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ही मालूम हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपका कुछ कॉमेंट बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज बहुत बहुत बच्चे का परसेंटेज मैंने कई सारे वीडियो कवर किया तो वहाँ पर मुझे मालूम है गाइस। बाकी देखिए आगे क्या होता है। यहाँ करें सर 10th में 65 है एंड 12th में 75% हो सकता है, सेम क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी, सेम क्वेश्चन आपका भी है तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ जो भी ये एप्लीकेशन आप लोग 10th में, बहुत ही अच्छी बात है, जितना भी है आपकी ये मेहनत है, तो मैं फिर अगेंस्ट यही बात मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो फॉर्म फिल करेंगे वो 90+ वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिल करेंगे और बहुत बच्चे होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हमारे CBSE को बोर्ड को ही देखिए, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे परसेंट ले आते हैं। और आपका जो चाहे आप बिहार हो, UP हो, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हो, कुछ एरिया यहाँ है, कुछ एरिया को मैं बताऊँ वहाँ के बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं। तो उस चीज़ को याद रखिए, जब मेरिट पे से बात है तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा मेरिट है तो उनको उठा लिया जाता है ऊपर से, 10 या 20 जितना भी वैकेंसी था वहाँ पे इतना बच्चे को उठा लिया जाता है। तो बट कोई नहीं, आप भी मेरिट लिस्ट का इंतजार करिए, या 7,000 में एक वीक ख़त्म कर देता है क्या? 7 शिवम का क्वेश्चन है कि 7,000 में एक वीक में ख़त्म कर देता है, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ शिवम, आप प्लीज़ मुझे अगेंस्ट मैसेज करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, जैसे मैं ऐसे दिया हूँ आपका भी रिप्लाई दूंगा।
और प्लीज़ अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएगा। शायद आपको क्वेश्चन कि 7,000 पर मंथ देता है, जी नहीं, 7,000 कभी पर मंथ नहीं देगा कोई भी अप्रेंटिस देगा, चाहे कोई भी कंपनी हो दुनिया का, तो दुनिया का नहीं मैं इंडिया का बता रहा हूँ, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई आपको 7,000 नहीं देगा और पर वीक, ठीक है, हाँ पर मंथ हो सकता है, मतलब पर वीक नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखें। तो शायद अगर कुछ और भी आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सैलरी देगा या नहीं, जी जय वी वर्मा, सैलरी ज़रूर देगा और 100% सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हाँ ये अलग बात है कि सैलरी आपको कम मिलेगा बट सैलरी ज़रूर मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी सैलरी कितना देगा देगा मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से देखें, और सैलरी ज़रूर देगा इस चीज़ का। हाँ अदर अलाउंसेस नहीं मिलेगा, जैसे रूम अलाउंसेस, खाना अलाउंसेस का जो भी है, वो सब अलाउंसेस आप में से कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तब यहाँ पे आपको जो भी अलाउंसेस होती है गवर्नमेंट का, वो सारा अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको सैलरी देगा और सैलरी बहुत ही कम देगा, जिससे आपकी ओनली फॉर आपकी पॉकेट मनी का ही खर्च हो पाएगा, या आप उसमें से सेव भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। और भी देखते कॉमेंट गाइस, ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन कर किया है। यहाँ पे मयंक का क्वेश्चन है कि सर मेरा 78 है और 12th में हो जाएगा क्या, जनरल से हूँ, तो आप तो पहली बात तो जनरल से हैं एंड दूसरी बात तो आपका 78% है, परसेंटेज कोई बात नहीं गाइस, आप लोग यही इंतज़ार कीजिए कि मैट लिस्ट कब आ रहा है, दिन मैं आपको बता पाऊंगा, इससे पहले कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। याद रखें जब एप्लीकेशन फीस जीरो होता है तो वहाँ मैक्सिमम बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, चाहे जितना बच्चा पढ़ाई करेगा ना करे वो भी बच्चे उस फॉर्म को फिल कर देते हैं। याद रखिएगा जब भी कोई वैकेंसी है जिसका एप्लीकेशन फीस जीरो हो वो भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, जो बच्चा स्टडी से वाकिफ भी नहीं होते वो सब बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर देते हैं। देन वो अलग बात हो या ना हो उनके वो ऊपर भगवान गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये मैं आपको इसमें कुछ बता नहीं सकता, कमेंट नहीं कर सकता हूँ, इंतजार करो मैट लिस्ट का। और उम्मीद में थोड़ा सा आपको इसमें बोलूँगा थोड़ा सा कमी लगाइए और प्लीज़ किसी और भी एग्जाम पे ध्यान दीजिए। क्यों उम्मीद कम लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जब भी सिलेक्शन होगा आप देख लीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप देख लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर। हमेशा देखिए जो भी वहाँ पर होंगे 90 वाले बच्चे के होगा, अगर एक्सपीरियंस है जिसमें बताया हूँ लेगा कि नहीं, अगर एक्सपीरियंस होगा तब तो यहाँ कम परसेंट वाले बच्चे को भी ले लेगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो याद रखिएगा देख लीजिएगा 90+ वाले बच्चे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और बहुत ऐसे बच्चे 90+ वाले बच्चे होंगे, इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए, कुछ ऐसा ही होगा। बट कोई नहीं, आपको मतलब ये नहीं अपने आप में उदास और मायूस नहीं होना है, कोई और भी है बहुत सारे वैकेंसी। सर NCL में एग्ज़ाम नहीं होगा क्या, ओनली मार्क्स बेसिस पे या आधार बेसिस सिलेक्शन होगा क्या, सर प्लीज़ बताइए। जी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया था, प्लीज़ आप इस वीडियो को भी अच्छा से देखें, जिस जो वीडियो में आप कमेंट किए हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सर मेरी आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन था, जो भी आपका मार्क्स होगा उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन था, तो इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, और आपका ये आपका जॉब एक तरह परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी है, ये आपका कुछ अप्रेंटिस एक साल का चलेगा एंड इसके बाद आपको इससे आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा एंड आपको जॉब से तरीके से निकाल दिया जाएगा, एंड देन आपका जब भी NCL में रिक्वायरमेंट आएगा तो वहाँ आप लगा सकते हैं। तो कुछ आज के लिए मैं यही कमेंट ले रहा हूँ इतना ही, और नहीं अगर आपका भी कोई कमेंट है तो बेहिचक कमेंट कीजिए, और ज़रूर वीडियो देखिए कि इसमें 100 जॉब लग जाएगा बेसिकली कौन सा काम होता है, सो उसको ज़रूर देखिए गाइस। और ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आफ्टर सिलेक्शन करके NCL होगा, वहाँ पर जाके आप लोग प्ले लिस्ट में NCL करके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग जाके देखिए और वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, और NCL आफ्टर सिलेक्शन वर्क क्या होता है तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सो आज के लिए कुछ यही था, सो गाइस बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।